आज के इस मीटिंग में बहुत से विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन चर्चा और जो कुछ डिसीजन हुए उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन ये था कि जो कोरोना सस्पेक्टेड पेशेंट्स के हम सैंपल लेते हैं और गवर्नमेंट लैब को भेजते हैं, लेकिन गवर्नमेंट लैब से लगभग 8 से 10 दिन वो सैंपल का रिपोर्ट आने को लगते हैं। वो पीरियड में वो पर्टिकुलर पेशेंट की मानसिक अवस्था बहुत ख़राब होती है। दूसरा, वो पॉजिटिव निगेटिव जो रिपोर्ट आएगा उस पर बहुत सी आगे की कार्रवाई निर्भर करती है। इसलिए अगर ये पॉजिटिव निगेटिव रिपोर्ट जो भी है, जो अगर जल्दी प्राप्त होगा तो हमें भी आगे की कार्रवाई करने में जो सहूलियत होगी, और अगर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आता है उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने में और इसके मरीजों की संख्या कंट्रोल करने में हमें सहूलियत होगी। तो इसे मद्देनज़र रखते हुए महानगर पालिका ने ये सर्वसहमत से ये निर्णय लिया है कि आगे से ये सैंपल गवर्नमेंट को न भेजते हुए प्राइवेट लैब को भेजे जाए। ये प्राइवेट लैब 4 से 4,500 रुपये हर टेस्ट के लिए चार्ज करते हैं, ये फीस का खर्चा महानगर पालिका उठाएगी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, आज मीरा भाईंदर की मेयर ज्योत्ना हसनाले ने एक मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में डिप्टी मेयर, म्यूनिसिपल कमिश्नर चंद्रकांत डांगे, सभी राजकीय दलों के ग्रुप लीडर, अपोजिशन लीडर, इसके अलावा सभी 6 पुलिस स्टेशन के सीनियर PI, ट्रैफिक PI और दोनों DYSP को भी इस मीटिंग में बुलाया गया था। इसी के साथ साथ में मेडिकल टीम जो COVID-19 पर काम कर रही है उन सभी अधिकारियों की एक मीटिंग हुई। आइए हम जानते हैं मेयर ज्योत्ना हसनाले के साथ में कि इस मीटिंग का क्या मकसद था और किन विषयों पर ये मीटिंग आधारित थी और इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया। इसी के साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग में देखा गया है कि यहाँ के जो दोनों लोक प्रतिनिधि है, यानी हमारे यहाँ शहर के दोनों जो विधायक है, MLA है, इन दोनों विधायकों को यहाँ पर बुलाया नहीं गया था। आइए जानते हैं क्या कहा ज्योत्ना हसनाले ने हमारे इस सवाल पर। ऐसा है कि ये मीटिंग महापालिका की मीटिंग है, इसमें महापौर को पूरा अधिकार है, वो मीटिंग बुला सकते हैं शहर के विकास के लिए। थोड़े से जो ये मीटिंग भी हमने इसलिए बुलाई थी कि थोड़ी दिक्कत ऐसी हो रही थी कि कमिश्नर के आदेश पे आदेश निकले जा रहे थे और कुछ आदेश चेंज भी हो रहे थे। सवेरे एक आदेश आता था, दूसरे दिन दूसरा आदेश आता था, उसमें थोड़ा मिसगाइड होता था, पब्लिक समझ में नहीं रही थी। और पब्लिक का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट लोक प्रतिनिधि से है, तो एक लोक प्रतिनिधि को पूछते थे या महापौर होने के नाते मुझे पूछते थे, तो हम लोग उसमें कंफ्यूज थे। तो सही क्या बात है, और पुलिस भी एक्शन उसी के आदेश के ऊपर उठा देते, तो पब्लिक में भी संभ्रम चालू था। तो ऐसे समय पे ये मीटिंग लेना बहुत ही ज़रूरी था। कुछ सब्जेक्ट जो थे, जो अभी मैंने चर्चा की, वो सब्जेक्ट का भी समाधान होना ज़रूरी था, तो उसके लिए ये मीटिंग बुलाई थी। उसमें हमारे दोनों आमदार सम्माननीय है, और जब उनके मतलब उनको लेकर जब मीटिंग करनी होगी तो उस समय पे हम उनको भी निमंत्रण करेंगे। मगर आज की जो मीटिंग थी सभी पदाधिकारियों को मिलाकर होने वाली थी, इसके लिए आज उनको हमने निमंत्रण नहीं दिया। मैडम, क्या ये माना जाए कि मनपा आयुक्त जो निर्णय ले रहे हैं, जो आदेश पारित कर रहे हैं, उस निर्णय को लेने के दौरान वो सत्ताधारी पार्टी को साथ में नहीं लेते? बात यही थी कि लोक प्रतिनिधियों को विश्वास में कुछ आदेशों में उन्होंने जो निकाले उसमें उन्होंने विश्वास में नहीं लिया था, और विरोधी पक्ष नेता या सभागृह नेता या कोई भी पदाधिकारी है या जहां तक मुझे भी कुछ आदेशों के बारे में मालूम नहीं था। तो इसके लिए थोड़ा संभ्रम शहर में भी हो रहा था, हमारे मन में भी हो रहा था, लोगों को कुछ बातें हम क्लियर कट नहीं बता पा रहे थे। तो इसी सभी विषयों के ऊपर चर्चा आज हमने की है। कमिश्नर साहब काम अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए नो डाउट, मगर उनके काम करने के बाद एक प्रशासन और शासन दोनों का जो मिलाप होके, हाँ, तालमेल बन के काम होना चाहिए,
तो आज उसी के लिए हम सब चर्चा कर रहे थे और आशा है कि शहर में अच्छा काम होगा। मैं लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अभी तक हमको सहकार्य कर रहे हैं, इसी के लिए आज तक मीरा भाईंदर शहर टिका हुआ है। जिस दिन हम लोग यहाँ पर मीडिया के सामने बोलते थे कि आज हमारे शहर में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है, तब हमको बहुत अच्छा लगता था, मगर आज 30 पेशेंट हो गए, तो ये इस बात को हमको सीरियस लेना चाहिए और इसके लिए हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन दोनों मिलके जो कार्य कर रहे हैं उसको आप पूरा सहयोग दें ताकि शहर में और कोरोना पेशेंट न होए और हमारे आरोग्य की रक्षा हो जाए। मैडम, शिकायतें ऐसी आ रही है कि पुलिस उन अत्यावश्यक सेवा में जिसमें जनरल स्टोर है, बेकरी है या दूध की दुकानें हैं, ऐसे दुकानों को भी ज़बरदस्ती बंद कर दी, तो क्या ये माना जाए कि पुलिस ने उस आदेश को सही तरह से नहीं पढ़ा है? हाँ, ये बात सही है कि आदेश को सही नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए वो हरकत हुई होगी, मगर हमने आज इंस्ट्रक्शन उनको दिए हैं कि जो आदेश है उसी के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। जैसे कि अनाज का आदेश अभी तक कहीं से भी नहीं आया, ना ही कलेक्टर ने दिया है, ना ही आयुक्त ने दिया है, ना ही हमने दिया है, तो उस पर कोई अमल बजाई नहीं की जाए और सिर्फ भाजी मंडी को हम बंद करवाएंगे। मैडम, आज की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, महापौर मैडम ने बुलाई थी और उस मीटिंग के एजेंडा के अंदर लिखा था कि शहर के अंदर सिर्फ दूध की दुकानें और मेडिकल की दुकानें रोज़ सुबह 2 घंटा खुली रहेगी। अब ये संभ्रम जो निर्माण हुआ लोगों में और उस संभ्रम की वजह से लोग पैनिक हो गए, घबरा गए कि आगे 4 दिन कुछ नहीं मिलने वाला है, किराना माल बंद रहेगा, मांसाहार बंद रहेगा, बाकी सब चीज़ें बंद रहेगी, तो उस पैनिक की वजह से जो लोग रास्ते पर आ गए और इतने दिन की जो मेहनत थी लोगों को घर में रखने की वो बेकार हो गई। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, धन्यवाद।